अभी बज रहे हैं रात के 12:15, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट आदु जीवितम द गोट लाइफ, जो कि एक मलयालम मूवी है जिसमें हमें पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलते हैं, और ये मूवी आपको हर एक लेवल पे दुख, दर्द और पीड़ा देती ही रहती है, ख़त्म ही नहीं करती और बस देती ही रहती है, एक लेवल आगे जाके देते ही रहती है, आपको बहुत ही ज़्यादा सैड फील कराती है मूवी। इस मूवी की अगर मैं कहानी के बारे में कहूँ तो देखो, इसकी कहानी एक नॉवल पे बेस्ड है जो खुद एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो इवेंचुअली ये मूवी खुद एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, और ये समझने के बाद जब तुम मूवी देखते हो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मूवी देखते हुए। मैं परफॉर्मेंसेस के बारे में आगे जाके बहुत बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम्हें बता दूँ कि ये इस रिव्यू को मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर फ्री रखना चाहूँगा, इसलिए मैंने इस रिव्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हाफ में कोई भी बिना मेजर स्पॉइलर के हम बात करेंगे, फिर सेकंड हाफ में भर के स्पॉइलर के बारे में बात करना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं इसकी छोटी सी स्टोरी के साथ, जो कि आपको एक ओवरव्यू दे देगी कि ये मूवी एक्चुअली किस बारे में है। तो देखो, 1990s की कहानी है जिसमें कुछ पैसों के चक्कर में एक इंडिया का इमिग्रेंट चला जाता है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज में या फिर कंपनीज में हेल्पर का काम करने के लिए, हाँ हेल्पर का काम करने के लिए, बिकॉज उनका एजुकेशन इतना हुआ होता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहला उनका बैरियर आता है लैंग्वेज का, हिंदी आती है और वहाँ पर वो उनकी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा बैरियर आता है लैंग्वेज का, जिसकी वजह से कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें जो फैक्ट्री में या फिर कंपनी में जो काम करना था उसके बदले उन्हें डेजर्ट में लेके जाते हैं, एक सिक्लूडेड एरिया में। और इसमें एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ऐसी है कि उनके घर वालों को पता ही नहीं है, उनके घर वालों को बस इतना पता है कि हमारा बच्चा, हमारा पति गया है सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए, वहाँ से हमें कॉल करेगा सबसे पहले पहुँचने के बाद, लेकिन वो कॉल तक कर नहीं सकते। और इसके बाद तुम्हें पूरे मूवी में इतने ज़्यादा सर्वाइवल की चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब इमेजिन करो डेजर्ट के बीच में वो आदमी है, मतलब ख़राब लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है, जैसे वो भाग भी नहीं सकता और रोड का कुछ अता पता है ही नहीं। और फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बस मूवी के एक ओपनिंग शॉट के बारे में, मतलब इमीडिएटली ओपनिंग शॉट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके तुम खुद समझ जाओगे कि मैं कौन से शॉट की बात कर रहा था, इतना ज़्यादा विजुअली स्टनिंग वो शॉट था। मैं तभी बोला यार वाह, मज़ा आने वाला है मूवी को देखने में। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि मूवी का जिस तरीके से स्क्रीन पे लिखा गया था, अब देखो मूवी की लेंथ हम कह सकते हैं कि लंबी है, ऑलमोस्ट 3 आवर के रन टाइम को टच करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ मूवी आपको बोर फील नहीं होती, क्योंकि अब देखो नॉर्मल से बात है कि सर्वाइवल मूवी है, डेजर्ट के अंदर है, कितना ही तुम उसमें सर्वाइवल दिखा दोगे, लेकिन ये मूवी कुछ छोटे छोटे ऐसे प्लॉट पॉइंट डिजाइन करती है जिसके वजह से कुछ एक चीज़ शुरू होती है, फिर वो ख़त्म करते करते इतना ज़्यादा सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो ख़त्म होने के बाद यू आर केप्ट वंडरिंग अब आगे क्या होगा, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर से अब आगे क्या होगा, फिर से अब आगे क्या होगा, और ये आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सोचते सोचते आपको लगता है कि मूवी लंबी तो है, लेकिन आपको पूरी तरीके से आप रिजेंबल कर सकते हो कि जो कैरेक्टर के साथ जो चीज़ें बीत रही है कि वो इतने सारे दिनों से या फिर कुछ सालों से, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर्स, लेकिन इतने सारे समय से वो वहीं पे है, उन खराब लोगों की स्लेवरी टाइप काम कर रहा है, और उसे खुद अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, कितने दिन बीत चुके हैं, क्या चल रहा है उसके साथ, और भैया वो किसी से बात भी कर नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे वो उनकी भाषा बोलते हैं और इसे बस हिंदी आती है, इसे इंग्लिश भी नहीं आती, इसे बस हिंदी आती है, और हिंदी बोलने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली किसी से बात ही नहीं करता है, एंड दैट थॉट इज ऑल्सो सो हॉरिफाइंग। और मैं बात करना चाहूँगा अब पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में, अमेजिंग एक्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत खतरनाक किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बल्कि थोड़ा सा जाड़ा जैसे टाइप आदमी थे, और बाद में आते आते इतना ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं, और मेरे से भी ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं, तो इमेजिन करो कितने ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं। और बस उनका ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ओवरऑल इतने सारे हॉरिफाइंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं मूवी में कि उनकी एक्टिंग को देख के आपको सच में परेशानी होती है, आपको सच में लगता है कि यार कितना बुरा हो रहा है। और ये एक्चुअली एक्टिंग को तो स्क्रीन प्ले कॉम्प्लीमेंट करता ही है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में हमको समझता है कि अच्छा स्टोरी में इतने ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ एंड ही नहीं है उन बुरी चीज़ों का, और मतलब कुछ होप ही नहीं है। और यहाँ पर हम पूरी तरीके से जस्टिस करते हुए देख सकते हैं पृथ्वीराज के एक्टिंग को उस स्क्रीन प्ले के साथ, उस स्टोरी के साथ, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, दर्द होता है उनको देखते हुए। और इस मूवी में सिर्फ पृथ्वीराज का कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन दूसरा भी एक कैरेक्टर है यार, उसने भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी करी है, आपको दिखने में समझ में आ जाएगा मूवी में जब आप देखोगे, लेकिन यार उसकी भी एक्टिंग देखते देखते आपको बहुत परेशानी होती है, और एक बड़ा मोमेंट है उसका, बहुत आपको परेशान कर देगा वो बड़ा मोमेंट। तो हाँ, बेसिकली इस मूवी के परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, फिर उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सैड फील कराती है मूवी, और वही दुख, दर्द, पीड़ा अलग लेवल पे आपको महसूस कराती है, एंड दैट इज़ परहैप्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, कि आपको मूव करती है स्टोरी। सिनेमा का काम ही क्या होता है, इमोशंस कन्वे करना, स्टोरी कन्वे करना, स्टोरी के जरिए इमोशंस ट्रिगर करना, और यार बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंसेस पे, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे ये इमोशंस देती है अपने को, और ऐसा लगता है हर बार कि भाई ख़त्म हो जा, भाई ख़त्म हो जा, इसका जो भी दुख, दर्द, पीड़ा है ख़त्म कर दो, लेकिन नहीं,
मानने को तैयार ही नहीं है, शुरू ही होता है, शुरू ही रहता है, शुरू ही रहता है। तो हाँ, अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ स्पॉयलर्स के बारे में। यार शुरुआत में कुछ मेरे ख्याल से एक घंटे तक हम उतना ही देखते हैं कि पृथ्वीराज के कैरेक्टर को कैसे उन्होंने एनस्लेव करके रखा है। यार कितने सारे मोमेंट्स में लगता है कि यार तेरे पास डंडा है, वो डंडा मार उस बुढ़े के सर पे और भाग जा वहाँ से। लेकिन फिर आपको लगता है कि अरे यार भाई बाकी का भी कैसा। फिर जब वो पानी के टंकी वाला सीन नहीं होता है कि वो ट्रैक्टर लेके आता है आदमी, तब ऐसा लगता है कि यार वो ट्रैक्टर पे कूद जा, कैसा तो भी कूद जा, भाग जा वहाँ से। लेकिन हर एक मोमेंट पे आपको लगता है कि अच्छा ये कर सकता है लेकिन ये हुआ नहीं, ये कर सकता था लेकिन ये हुआ नहीं। फिर जो केव में जब वो पहली बार जाता है, यू नो जब वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, बर्फ़ की बारिश होने के बाद वो केव में जाता है, यार कितना ब्यूटीफुली शॉट किया था वो सीन। मतलब उस सीन में हम सिर्फ पृथ्वीराज का चेहरे को देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। मतलब हमें पता है कि भैया उसने कुछ तो देख लिया है, लेकिन उस मोमेंट पे वो पूरे सीन में हमें दिखाया नहीं जाता कि वो क्या देख रहे हैं। और हर बार ऐसा लगता है, मतलब मुझे तो काफ़ी लग रहा था कि शायद उसने उसका जो भाई था, मतलब वो मुँह बोला भाई, क्या उसको देख लिया, क्या वो उसे मिल गया, या फिर यहाँ पे उसे कुछ अलग सिटी दिख गई, या फिर कुछ अलग लोग दिख गए। मुझे कितने सारे थॉट्स आए थे उतने से एक सीन में। लेकिन फिर एंड में जाके दिखता है नथिंग, लेकिन दूर से फिर उसका भाई चलते हुए आता है। सच अ ब्रिलियंट सीन, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था वो सीन देखने के बाद, क्योंकि इट वॉज कीपिंग यू वंडरिंग, एटलीस्ट फॉर मी, यार क्या देख लिया, क्या देख लिया साला, क्या देख लिया। अमेजिंग डायरेक्शन। फिर यार जो उसके इमोशंस दिखाए उसके वाइफ के साथ की, मतलब जो उसने अचार दिया होता है वो बॉटल में, 3 साल तक वो वहीं पे रहता है, थोड़ा थोड़ा करके वो खाता है अचार, उसकी स्मेल लेता है, उसके वाइफ को याद करता है। फिर उसके बाद भी जब वो भागने की प्लानिंग करता है प्रॉपर वाली, जब उसका वो भाई होता है हकीम, वो उसे लेने आता है, और वो यार वो अफ्रीकन वाले की तो बात करेंगे अपन, क्योंकि वो एक लूज स्पॉट पॉइंट मुझे लगा। लेकिन एनीवेज जब वो भागने की तैयारी करता है, बैग लेता है, कपड़े चेंज करता है, पहली बार वो काइंड ऑफ मूड होता है उसका, हर ऐसे ऐसे मोमेंट्स को अच्छे तरीके से उन्होंने टाइम दिया है, विच रियली मेक्स यू फील सॉरी फॉर द कैरेक्टर, विच रियली यू नो ट्रिगर्स इमोशंस। और यार उसका जो दोस्त मरता है, क्या सीन था वो, सच में क्या सीन था, मज़ा आ गया था वो देख के, मतलब इन अ गुड वे। फिर उसके बाद वो अरब वाला आदमी भी यार कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करता है, कितना ज़्यादा उनको हेल्प करता है। वो छोटे वाले जो भाई था उसको तो खांदे पे ले लेता है, कितना ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन गायब हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है। वो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि गायब हो गया, मतलब इट गेट मी वंडरिंग कि एक्चुअली क्या हुआ। फिर एंड में भी जब वो फाइनल वाला सीन है, जब यू नो वो जेल में सब खड़े होते हैं और सब, और वो कलीम या कुछ नाम होता है उन लोगों का, तो वो उन्हें देखने आता है और वहाँ पे वो ऑलमोस्ट उसको पहचान लेता है, यार वो भी इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन था। और जो उसका विजन दिखाते हैं कि उसको सपना गिरता है वो मोमेंट पे, कि उस आदमी ने सच में उसको पकड़ लिया और फिर उसे वो मार रहा है, मैंने ऐसा सर पे हाथ लगा लिया था, भैया यार कितना दोगे इसको, कितना त्रास दोगे, कितनी परेशानी करोगे इसके साथ। और लेकिन फिर फाइनली समझ में आता है कि इट वॉज जस्ट अ विजन ऑफ हिज। और मूवी एंड होने के बाद सच में अच्छा लगता है कि यार फाइनली खत्म हो गया इसके लिए, मतलब इन अ गुड वे कि फाइनली इसकी जो दुख दर्द पीड़ा थी वो खत्म हो गई। तो मुझे यार काफ़ी मूविंग लगी मूवी, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक मूवी है, लेकिन पेशेंस के साथ देखोगे तो सच में फील होती है, मतलब रियली ट्रिगर होती है यार मूवी, मतलब मुझे तो काफ़ी ट्रिगर करा इस मूवी ने, मुझे तो काफ़ी इमोशंस के साथ खेला है मेरे मूवी में। और मैं प्रिपेयर होके गया था, माइंड यू मुझे पता था बहुत इमोशनल मूवी, मैं प्रिपेयर होके गया था, लेकिन फिर भी इट मैनेजेस टू रियली मूव मी। प्लीज़ नीचे जाओ और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस मूवी के बारे में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।